रणवीर सिंह के पास इन दिनों कई सारी फिल्मों की लाइन लगी हुई है और उन्हीं में से एक है रोहित शेट्टी की एक्शन मनोरंजक फिल्म सिम्बा। इस फिल्म में रणवीर पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे और अब हमने सुना है कि रोहित शेट्टी की इस फिल्म में उनके फेवरेट स्टार और दोस्त अजय देवगन भी एक खास भूमिका में नजर आने वाले है। अजय देवगन का इस फिल्म में छोटा मगर खास रोल होगा। क्लाइमेक्स में होगी अजय देवगन की एंट्री। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अजय रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म सिम्बा में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। निर्देशक रोहित शेट्टी चाहते थे कि इस स्पेशल रोल के लिए कोई खास हो और उनके दिमाग में इस रोल के लिए केवल अजय का नाम ही आया। अजय का ये स्पेशल रोल क्लाइमेक्स के दौरान आएगा। आपको बता दें कि अजय और रोहित ने एक साथ कई फिल्में की है और दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया है। जब रोहित ने अपना ये स्पेशल रोल वाला आइडिया अजय देवगन के साथ शेयर किया तो इस रोल को करने के लिए अजय तुरंत मान गए। दिलचस्प बात यह है कि सिम्बा में मुख्य किरदार के लिए रणवीर सिंह का नाम रोहित को अजय ने ही सुझाया था। यह भी पढ़ें, अजय देवगन ने छोड़ दी सिगरेट पीने की बुरी आदत। अजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म रेड के प्रमोशन में व्यस्त है। इस फिल्म में अजय के साथ इलियाना डिक्रूज नजर आएंगी। राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 16 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। रणवीर सिंह इन दिनों गली बॉय की शूटिंग में व्यस्त है। जोया अख्तर की इस फिल्म में रणवीर आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म अगले साल वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज होगी।